मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। थैंक यू। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस टाइम यहाँ 12:15 हो रहे हैं और नाश्ता कर लिया हुआ है हम सब ने। नाश्ते के बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं, तो अब एक एक करके मैं बर्तन लगा लूँगी। और आज मैं दाल चावल बना रही थी और साथ ही दाल चावल के पुदीने और धनिए वाली चटनी, और यहाँ मैंने अंबियाँ रखी हुई हैं। मैं यहाँ दाल बना रही हूँ मटन में, और इसके साथ बॉयल राइस बनाऊँगी। मटन मैंने अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं, भून लिया है। अब मैं इसमें दाल डालूँगी। ये मूंग और मसूर की धुली हुई दाल है, अच्छी तरह से इसे मैंने धो लिया है, और साथ पानी इसमें साफ डाला है। अब मैं ये मटन में डाल दूँगी। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, उसके बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है अच्छी तरह धोने के बाद, और पानी के साथ ही मैंने ये मटन में डाल दिए। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और अच्छी तरह इसे पका लेंगे। बाद यहाँ मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रखा हुआ है। और साथ ही कच्चे आम जो हैं अंबी, वो मैंने काट के रखी हुई है, इसकी चटनी भी मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ पुदीने धनिए वाली चटनी और ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। तो सबसे पहले मैं बर्तन बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल चावल दाल बना रही हूँ मैं, उसके बाद बॉयल राइस बनाएंगे। और इसके बाद जल्दी से चावल मैं धो लूँगी। मैंने पुदीने और धनिए की जो चटनी बनानी है उसके लिए चीज़ें बना के रखी हैं। यहाँ मैंने पुदीना धनिया लिया है, टमाटर, प्याज और ये धनिया ली हैं, कच्चे जो आम होते हैं वो लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। दाल चावल के साथ हम यूजली ये वाला सलाद बनाते हैं, इसमें मैंने बंद गोभी, प्याज और टमाटर लिए हैं, और साथ ही इसमें अचार ऐड कर दिया है, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और दाल चावल के साथ ये सलाद बहुत मज़े का लगता है। यहाँ मेरी मामा पुदीने धनिए की चटनी बना रही हैं और इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो जब तक वहाँ चटनी बन रही थी, मैं यहाँ चावल धो रही हूँ अच्छी तरह से। दो से तीन टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे और नमक डालना है, नमक आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। जी, तो चटनी रेडी हो गई है, और जो आधी चटनी है खट्टी है जो, वो मैं इसमें निकाल ली है, और बाकी जितनी चटनी बच गई है उसमें मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे खट्टी मीठी चटनी पसंद है। बाकी अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी।
और ये जो खट्टी मीठी चटनी है वो मैंने इसमें निकाल ली है। तो ये दोनों जो चटनी है वो भी रेडी हो चुकी हैं। आटा जो था ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने आटे वाली बास्केट धो ली थी और यहाँ मैंने धूप में रखी हुई थी और वो भी सूख गई है। अब मैं ये अंदर लेके जा रही हूँ और साथ ही पौने भी आज धो के यहाँ मैंने हैंग किए हुए थे लेकिन ये भी सूख गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, धो के मैंने रखी थी कि अब आटा दोबारा से इसमें डालना है तो एक बार अच्छे से ड्राई हो जाए। पौने भी अब तय करके रख लूँगी। यहाँ मैंने पौने रखे होते हैं। जी तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ दाल भी पक चुकी है, तो अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। जी तो दाल चावल तैयार हो गए थे और अब हम लोग खाना खाने लगे थे। 2 बज गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं दाल चावल सलाद और साथ मैंने पुदीने धनिए की जो आज चटनी बनाई थी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो खाना अब हम लोगों ने खा लिया है और अब मैं दोपहर के यहाँ थोड़े बर्तन धो रही थी। तो यहाँ बर्तन भी सारे धुल गए हैं और मैंने एक बार किचन की भी सारी शर्ट साफ कर ली है, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। जी तो मैं बर्तन धोने के बाद नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई थी और 5 बजे फिर मैं उठी और मैंने चाय बनाई, चाय पी और अब 7 बज चुके हैं और इतना मज़े का मौसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आया, इतनी तेज़ आंधी आ रही थी और फुल स्पीड पे बारिश हो रही थी। तो जब बारिश ख़त्म हो गई थी उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर साथ ही जो मेरा भाई है वो किचन में आ गया है तबाहियाँ मचाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो उसने आते साथ ही एक गिलास तोड़ा है और जी अब मैं सबसे पहले ये उठाऊंगी। आज वो फ्राइड राइस, आपको एग फ्राइड राइस आपको बनाना सिखाएगा जो दोपहर में जो हमने दाल चावल बनाए थे। बॉय राइस को चाइनीज राइस में कन्वर्ट कर सकते किस तरह से आप बॉय राइस को चाइनीज राइस में कन्वर्ट कर सकती हैं। जी तो यहाँ सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे और देचकी में मैंने घी डाल दिया है। जी तो चूल्हा ऑन करने के लिए पहले इसको ऑन करते हैं। अब हम चलें, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लहसुन ऐड करेंगे। जी तो यहाँ हमने घी में लहसुन ऐड कर लिया है। आपने जब भी लहसुन ऐड करना है उसको छोटे छोटे पीसेस करके चॉप करके ऐड करना है
तो जी यहाँ मेरे भाई को बहुत ज़्यादा जल्दी है, इस वजह से हमने इसी तरह से इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा जब ये सॉफ्ट होगा तो इसे मैश कर लेंगे हम। अब इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। बस चाइनीज नमक, सूख मिर्च पाउडर, अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस थोड़ी और डाल लो। अब ये जो बचे हुए सुबह के चावल हैं इसमें ये ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जी तो जब तक यहाँ चावल दम पे हैं तब तक मैं आपको एक स्वीडिश की रेसिपी बताती हूँ जो कि मेरे भाई बनाते हैं और वो ही इसी तरह के काम करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी स्वीडिश या मीठा इतना पसंद नहीं है। अब आपको हम बताएंगे कि ब्राउनी आइसक्रीम कैसे बनती है। सबसे पहले तो आपने ये ब्राउनी लेनी है और इसको माइक्रोवेव में मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए इस तरह से गर्म कर लिया है जी। और उसके बाद जो भी आइसक्रीम आपके पास घर में अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो, ये मैंगो आइसक्रीम है तो अब हम इसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम डाल लेंगे और इसी तरह से खा लेंगे। और ये ब्राउनी आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है और अब मैं देखती हूँ कि चावल भी रेडी हो चुके होंगे। थोड़े से चावल बनाए थे तो मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यम्मी से एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये थी आज की मेरी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।